चैनल। तो आपने दिवाली वाला व्लॉग आई होप देख ही लिया होगा। वैसे तो मैंने गांव की दिवाली देखी हुई है क्योंकि मैं बड़ी ही यहाँ हुई हूँ, बट मेरे ससुराल में ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा कि दिवाली कैसे होती है। बिकॉज पहली जो दिवाली थी उस वक्त मेरा वो दिवाली आना, जो कि मैंने उसका भी वीडियो डाला है आप देख सकते हो, वो था। तो मैं कहीं गाँव में घूमी नहीं हूँ और कहीं गई भी नहीं थी, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर दिवाली थोड़ी अलग होती है, वो भी आपने देखा ही होगा, वो कुछ पापड़ी वापड़ी बनवा रहे हैं मुझसे, नई बहू है करके, तो वो सब हो गया। लेकिन हाँ, आपने मेरे साथ दिवाली के दिन इस चेहरे को बिल्कुल भी नहीं देखा होगा भाई, क्योंकि ये जो बंदा है वो दिवाली के दिन मेरे साथ रहा ही नहीं है। ये मुझे ढूंढते ढूंढाते सिर्फ एक फ़ोटो ही जाने के लिए आया था और फिर पता नहीं कहीं गायब हो गया। पूरे वीडियो में, पूरे व्लॉग में आपने इस शक्ल को कहीं नहीं देखा होगा, तो ये इसकी गलती है। वैसे तो नहीं रहता, चलो मुंबई था इतने दिनों से, तो ये नहीं दिखा, पर नहीं दिखा। क्या कहना चाहते हैं भाई इस बारे में आप? मैंने पूरा टाइम दिया था भाई। हम जब मैं निकला तब ये मैडम तैयार नहीं थी, तो फिर लेट हो रहा था तो मैं निकल गया। और फिर मैं टाइम निकाल के स्पेशली फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया था, पर वो भी ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाई मैंने, जबरदस्ती फोटो खिंचाया। बट बाकी मैं तैयार बताती नहीं थी, टाइम मैं पे तैयार बताती नहीं किया, हूँ आधा भाई, घंटा टाइम दे दिया। लड़कियों को रेडी होने में थोड़ा तो टाइम लगता है भाई, पर इन भाई साहब को इतना भी टाइम नहीं था कि चलो एक आध बार उनकी शक्ल व्लॉग में दिख जाए। मैं अकेले अकेले सब कर रही हूँ टाइम पे तैयार नहीं थी और भाई, क्या ये करें। कहीं नहीं था उस बीच में, तो ठीक है, फिर मैंने अकेले अकेले निपटा लिया। वैसे मैं भी इतना शूट कुछ कर नहीं पाई हूँ बिकॉज़ घूमने घुमाने में टाइम निकल गया, और एक तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि हर जगह बहुत भीड़ थी, आपने भी देखा होगा। तो मैं थोड़ा एंजॉय भी कर रही थी और थोड़ी उस भीड़ से डर भी रही थी। तो ये तो हो गई दिवाली की बात। लेकिन आज जब मैं यहाँ हूँ, अपने ससुराल में ही हूँ, वैसे तो मैं अभी आज जाने वाली थी, बट ये है जो है वो अभी 2-3 दिन और है, तो फिर मैं यहीं हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम दोनों अपने बेडरूम का टूर करा दे आपको, तो करवा दे। चलो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, दो घर हैं अभी जो है वो हम मेन घर में रहते हैं, ये हमारा बेडरूम जो है वो सेकेंड घर में है, जहाँ पे बाद में हम इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा सालों बाद शिफ्ट होंगे यहाँ पे। तो हमने हमारा बेडरूम उसी घर में रखा है, तो कहाँ से कहाँ आते हैं वो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं सीधा अपने बेडरूम के डोर से लेके आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। गाइस, तो ये है एंट्रेंस, यहाँ पे है ये मेन डोर रूम के अंदर जाने का, और इसके बाद आप देख ही रहे हो ये जो है बेड, राउंड वाला बेड है। ये स्पेशल कार्तिक ने पंजाब कहीं से ऑर्डर देके बनवाया है, बिकॉज़ मेरी इच्छा थी कि रूम में जो बेड हो वो राउंड हो, थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, राजा महाराजाओं वाली। ये आप देख सकते हो राउंड है, और गाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, 8 बाय 10, 10 बाय 8 क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, बट ये ऐसा ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पे ये जो है ये इसका नीचे का ये ऐसा वर्क है, और इसके अंदर ये मोती, डायमंड, मोती नहीं बोल सकते इसको, डायमंड है वो लगे हुए हैं। और वहाँ पे भी बीच में जो है ये डायमंड लगे हुए हैं इस एरिया में, बाकी का ये जो है वो ऐसा ही है, और ये पूरा राउंड है। मेन दिक्कत तो ये है कि इसकी कहीं बेडशीट नहीं मिलती हमें, ये बेडशीट हमें स्पेशली बनवानी पड़ती है, तो इसकी बेडशीट और पिलो कवर क्या है जो हमेशा से डिफरेंट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम एक रह जाती है बड़े बेड लेने के चक्कर में। तो ये था बेड, और बेड के जस्ट पीछे ये एक पोस्टर लगा हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ पे विंडो था, सेम ऐसा सा विंडो यहीं पे था, बट कार्तिक के दिमाग में आया कि नहीं वो विंडो नहीं रखते हैं, बिकॉज़ बेड रखने में दिक्कत हो जाएगी, ये रूम जो है वो थोड़ा छोटा है, तो वो विंडो अंदर से खुलेंगे, प्लस वहाँ पे जो है वो मेन डोर है घर के अंदर जाने का, तो वो सही नहीं रहता, कभी खुला रह जाए कभी कुछ क्या, तो वो ढक के इधर पीछे पोस्टर लगा दिया है हम दोनों का। ये हमारी प्री वेडिंग का फ़ोटो है, और बेस्ट फोटो है, क्यूट भी लग रहे हैं हम दोनों। तो ये यहाँ पे बेड के पीछे राधा कृष्ण लगे हुए हैं, ये राधा कृष्ण एक्चुअली मेरे को चेंज करने थे बट नहीं रह पाते हम यहाँ पे, शादी के बाद पहला ऐसा टाइम है जब हम थोड़े टाइम यहाँ रुके हैं, वरना हम यहाँ पे इतना रहते नहीं हैं। तो ये किसी ने हमें गिफ्ट किया था शादी में, तो अभी के लिए हमने यही लगा दिया, लेकिन बाद में हम इसको चेंज करेंगे ऐसा सोच रहे हैं। तो ये है,
तो ये एंट्रेंस के बाद बेड आ गया। यहाँ पे साइड में एक ऐसे ही चेयर रखी हुई है, मोबाइल चार्ज होता रहता है और कभी कभी मैं बैठ भी जाती हूँ मोबाइल लेके, तो ये जस्ट बैठने के लिए ऐसे रखा हुआ है। हाँ, चेयर के पास में एक्चुअली मैं ये पीछे जो है वो कुछ बना हुआ था, ऐसे ही बनाया था, फिर बाद में इसको ऐसे फ्रेम करवा देंगे ऐसा करके, बट इतना बड़ा ये जो है कबोर्ड ले लिया हमने, तो फिर वो कहीं रहने की जगह नहीं थी उसकी, तो यहाँ पे रख दिया हमने। तो ये जस्ट ये विंडो के सामने ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है एक्चुअली मैं मेरे पास इतने कपड़े हैं कि कहीं नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत कम रहती हूँ यहाँ पे, तो इतना ही एरिया मेरा है और ये पूरा कार्तिक ने रखा हुआ है। अंदर कुछ रखा नहीं है लेकिन उसको इतना एरिया चाहिए था, क्योंकि मुंबई में क्या है कि सारी जगह को मैंने ही घेरा हुआ है, तो वो यहाँ पे मेरे से बदला ले रहा है। तो ठीक है, इतने ज़्यादा कपड़े मेरे यहाँ है भी नहीं। तो उसके बाद ये यहाँ पे बेड के जस्ट सामने रेड कलर की अलग से दीवार है, वहाँ पे हमारे शादी के और प्री वेडिंग के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये प्री वेडिंग का फ़ोटो है जहाँ पे हमको वो वैसे से टाइप में बिठाया है वो शाहरुख और काजल की, कौन सी मूवी है यार, DDLJ सबसे फेमस है लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। ये हमारी शादी की फ़ोटो है, ये रिसेप्शन की है, ये भी शादी वाले दिन की है, और बाकी की सारी फ़ोटोज़ प्री वेडिंग की है, ये हनीमून की है और ये भी हनीमून की फ़ोटो है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। वहाँ से इस वाली दीवार पे ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे मैं अभी आपको दिख रही हूँ। तो ये जो है ये अभी दिवाली के टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें निकाली थी, तो यहीं रह गई है, अंदर रखनी रह गई, बाकी की सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। ये स्पेशली मैंने बनवाया था, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन दी थी, बट इस मैंने जो डिज़ाइन दी थी उसमें क्या था, ये पूरा एक था और थोड़ी सी ये ऊपर वाले की डिज़ाइन अलग थी, तो ये बंदे से पूरी शायद बनी नहीं, तो उसने ऐसा ही नहीं बनाया, थोड़ा सा अलग शेप दे दिया, पर ठीक लग रहा है। मैं आपसे आपको दूर से दिखा देती हूँ, ऐसा सा कुछ है, ये बैठने का है एक्चुअली में, ये दोनों साइड टेबल्स थे बट फिर वो रहते नहीं हैं, राउंड बेड है और यहाँ पे जगह ही नहीं है क्योंकि ये डोर खुलता है तो, और ये राउंड टेबल ये जो है वो टेबल थोड़े अलग आने वाले थे लेकिन इसने ये क्या भेज दिया पता नहीं, इस पर कुछ रहता ही नहीं है, ना फ्रेम्स रह रही है ना लैम्प रह रहे हैं, तो फिर मैंने इसको ऐसे यूज़ ले लिया और यहाँ की जो चेयर थी वो कहीं और सेट कर दी है और वो वहाँ पे पीछे पड़ा रहता है, कुछ कुछ रख देते हैं हम, तो ये थोड़ी सी गलती की है जिसने बेड भेजा है, और ये भी थोड़ी की थी, ये पूरा कांच था तो ऊपर से नीचे तक पूरा दिखे वैसा, और यहाँ पे थोड़ा अलग सा था वो, बट इसने ऐसे डिज़ाइन भेजे, तीन तीन ड्रॉर्स दिए हैं और ये, बट ठीक है, वो मैंने जो दी थी वो भी राजा महाराजाओं जैसी कुछ शेप थी, ओल्ड ट्रेडिशनल, पर इसने ऐसा दिया तो ये भी ठीक ही लग रहा है वैसे, इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बट ओके है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी है, मेरी सारी चीज़ें इस ड्रॉअर में और इस वाले कबट में ही है, ज़्यादा नहीं रहती हो, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये हो गया, यहाँ पे उसके जस्ट पास में एक विंडो है, उस विंडो में ये वाला हमने यहाँ पे लगाया है, जब हवा आती है तो ये आवाज़ करता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, ये रखना भी चाहिए एक्चुअली मैं रूम में, इससे कुछ प्यार व्यार बढ़ता है ऐसा भी रहता है। और उसके जस्ट ऊपर मेरी एक फ़ोटो लगी हुई है, ये मेरे बिनोली की फ़ोटो है, हमारे यहाँ पे बिनोला निकालते हैं, तो अब आगे देख लोगे जब मैं अपनी शादी की हाईलाइट और अपनी शादी की सीरीज़ आपके साथ कभी शेयर करूँगी तो उसमें वो आएगा ही आएगा। तो ये तो था बेडरूम, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे, छोटा सा ही है, इतना कुछ बड़ा नहीं है, ये ऊपर पंखा है और यहाँ पे ये ब्लू कलर्स की लाइट, ये रात को ब्लू कलर की लाइट्स चल जाती है यहाँ पे। ये वाला जो है वो खाली पार्ट है, इसको एक्चुअली मैं पैक करा देना था बट ये रह गया, रहते नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, तो फिर कभी कुछ करा देंगे। तो गाइस ये था मेरे बेडरूम का टूर जो कि बहुत छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट है।
ओके गाइस, तो ये था मेरे छोटू से और क्यूट से बेडरूम का टूर। एक्चुअली मैं हम इस बेडरूम में हमेशा कुछ चेंजेस करने का सोचते हैं, कुछ नया यूनिक करें। बहुत सारे शौक है हमें, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम दो दो तीन तीन दिन के लिए ही सिर्फ आते हैं, तो इतना हो नहीं पाता। और कभी कर भी जाते हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो वो वापस आते हैं तब तक सब कुछ बिगड़ जाता है। तो जैसा है वैसा ही हमने रहने दिया है, ये ऐसा ही रहता है। और कभी कभी यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो मुझसे रिलेटेड और पुर्तिक से रिलेटेड सारी कुछ बातें जानने के लिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।